आज लगभग आधे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल में इस पृथ्वी पर लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य के बारे में कलीसिया को यीशु मसीह के अंतिम शब्द बताए गए हैं। क्लेश काल के बीच में पृथ्वी पर जो भयानक घटनाएं होने वाली है उसकी चेतावनी दी गई है। शैतान का क्या होगा, ख्रिस्त विरोधी का क्या होगा और जो झूठी आस्था के पीछे चलते हैं उनका क्या होगा। उसने बताया कि हर्मगदोन के युद्ध में क्या होगा, पृथ्वी पर दूसरे आगमन, मिलेनियम के राज्य और अंतिम न्याय के बारे में बताया और ये भी बताता है कि परमेश्वर ने अनंत काल के भविष्य में अपने लोगों के लिए क्या योजना रखी है। इस सीरीज में हम आपको प्रकाशित वाक्य की किताब के एक एक अध्याय में से लेकर जाएंगे कि इसके संदेश और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया है। और आज हम इस सीरीज के दूसरे भाग को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्याय और क्लेश काल की मुख्य भूमिका, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7-13 तक। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर एड हाइनसन, जो डीन है लिबर्टी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिलीजन के और आस्था के बारे में बड़े प्रोफेसर हैं और 40 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। डॉक्टर मार्क हिचकॉक ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बाइबल एक्सपोजिशन पर डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। इन्होंने बाइबल की भविष्यवाणी पर 30 किताबें लिखी हैं और ये फेथ बाइबल चर्च के सीनियर पास्टर हैं। डॉक्टर रॉन रोड्स ये भी डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में सिखाते हैं और ये प्रेसिडेंट हैं रीजनिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स मिनिस्ट्री के। इन्होंने भविष्यवाणी पर 70 किताबें लिखी हैं। हमारे साथ द जॉन एंकरबर्ग शो के स्पेशल एडिशन में जुड़ जाइए। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तीन महान भविष्यवाणी के विद्वान हमारे साथ हैं, डॉक्टर एड हाइनसन, डॉक्टर मार्क हिचकॉक और डॉक्टर रॉन रोड्स। जैसे कि आपने इसके बारे में सुना है, आपने मसीह विरोधी के बारे में फिल्मों में देखा होगा और सुना होगा, प्रोग्राम में देखा होगा, झूठा भविष्यवक्ता आर्मगेदोन, इन विषय के बारे में। हम इस भाग पर पहुंच रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि वास्तव में बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए उन चीज़ों के बारे में जिससे सबसे ज़्यादा वो जानना चाहते हैं वो है पशु का चिन्ह और मसीह विरोधी क्या करता है, यहूदी लोगों का क्या होगा। इस तरह के बहुत से सवालों का जवाब हम देंगे। अभी प्रकाशित वाक्य 12 में हम हैं और इस तरह से हम यहाँ पर विराम देखते हैं। सारी घटनाएं रुक जाती है, मानो जैसे टाइम आउट हो गया और खिलाड़ियों को स्कोर कार्ड दिया जाता है। और एड, हमें स्कोर कार्ड के बारे में बताइए सबसे पहले कि ये क्या है और क्या हो रहा है। दरअसल मैं मानता हूं जब यीशु योन्ना पर इन चीज़ों को प्रकट कर रहे थे, वे चाहते थे कि योन्ना समझे कि वे चिन्ह और उनके प्रतीक क्या है। वहाँ एक स्त्री है जो प्रतीक है इज़राइल के वंश का, जिसके जरिए मसीह आए एक नर शिशु। पर वह पशु शैतान पूरी तरह अवधारित था कि वह शिशु को नाश करने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि मसीह के आगमन को रोका जा सके। यकीनन उनके दूसरे आगमन को और संसार में उनके राज्य और शासन को भी। स्वर्गदूत माइकल आकाश में शैतान से युद्ध करते थे, तो पर्दे के पीछे आप एक आत्मिक युद्ध को देख रहे हैं और एक वस्तुगत जो कि धरती पर हो रहा है। और फिर शैतान को थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। वह क्रोधित है और अपने गुस्से को वह स्त्री के बीच के अंश पर निकालता है, जंगल तक उनका पीछा करता है। फिर हम 13 अध्याय में आते हैं जहां समुद्र से निकलने वाले पशु की बात हो रही है। संभवतः मसीह विरोधी और धरती से निकलने वाला एक पशु जो आगे चलकर स्पष्ट होता है वह झूठे भविष्यवक्ता है। यह ऐसा है मानो शैतान इन दो मानवीय नेताओं का इस्तेमाल कर रहा है, एक राजनीतिक नेता और दूसरा धार्मिक नेता, कि वह अंत के दिनों में संसार को भ्रमित और भ्रष्ट कर सके ताकि संसार की अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा हो, एक सरकार और अंततः पूरे विश्व में केवल एक धर्म। हाँ, और मार्ग जैसे अभी जानते हैं बहुत सी फिल्मों में मसीह विरोधी के बारे में अलग अलग तरह से दिखाया गया और इसलिए इस विषय में बहुत से लोग जानते हैं। तो आइए मसीह विरोधी के स्वभाव गुणों के बारे में हम देखते हैं। और ये जैसे समुन्द्र में से बाहर आता है, पशु के बहुत से नाम हैं, हमें बताइए कि क्या होगा, उसकी विशेषताएं, उसकी ताकत और क्या होगा, उसके कार्य क्या है। सर्वप्रथम वचन में हम इसका जिक्र पाते हैं, मैं मानता हूँ दानियल 7:8 में उसे छोटा सींग कहा गया है जो कि उन 10 सींगों से आता है। यह हमें पुराने रोमी साम्राज्य की वापसी को दर्शाता है। जी, और राजनीतिक नेता, बिल्कुल ठीक। और उसे आने वाला राजकुमार कहा गया है। दानियल 9 में उसे स्व उद्देशित राजा कहा गया है। दानियल 11 में 2 थिस्सलुनीकियों में उसे पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कहा गया है। उसे मसीह विरोधी कहा गया है।
भाई यूहन्ना की पत्री में एक यूहन्ना में और अंततः प्रकाशित वाक्य 13 में उसे विश्लेषित कहा गया है समुद्र से निकलने वाले पशु के रूप में, और वह कहा जाता है वास्तव में वह संसार का आखिरी तानाशाह बनकर उभरता है, वह जो पूरे संसार पर अधिकार और शासन करने आया है, वह अधिकार में बढ़ता जाएगा। शुरुआत में वह काफी छोटे और नगण्य रूप में सामने आएगा क्योंकि वह शुरुआत छोटे सींग की तरह करता है, फिर धीरे धीरे वह अपने नेतृत्व और अधिकार में बढ़ने लगता है, वह शांति दूत बनकर आगे आता है। और अगर आज हमारे संसार में किसी चीज की जरूरत है तो वो है शांति, खासकर मध्यपुर में। तो इसी तरह से वह अपनी ताकत को बढ़ाता जाएगा और 7 साल के मध्य बिंदु पर पहुंचने पर उसका मुखौटा बेनकाब होगा। जी हाँ, सच में बाइबल हमें इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर की बात बताती है, यानी इसराइल के साथ में वाचा। और जब मसीह विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तब ये क्लेश काल शुरू होता है। बिल्कुल सही, पीड़ा के काल का आरंभ होता है समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, इसराइल के देश से अनुबंधन के साथ। दानियल 9:27 हमें यह बताता है, फिर हमने देखा जब पीड़ा का आरंभ होता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहले मोहर को याद कीजिए, सफेद घोड़े पर घुड़सवार निकलता है, यह दौड़ी मसीहा उस दौरान ही उभरता है। हम यह भी देख सकते हैं कि जब मसीह विरोधी आता है वह शैतान द्वारा शक्ति प्राप्त है, शैतान अपने तमाम अधिकार और सामर्थ्य उसे देता है, पर हमें तसल्ली यह जानकर होगी कि यह सभी कुछ परमेश्वर के प्रभुत्व के तहत ही हो रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 में यह बार बार कहा गया है और वह उसे दिया गया है और वह उसे दिया गया। तो वह परमेश्वर है जिनके नियंत्रण में यह हो रहा है, वह इस व्यक्ति को भरने दे रहे हैं, मान लीजिए परमेश्वर के आखिरी विरोधी के तौर पर। रॉन, बात यह है कि दानियल इसके बारे में बताता है कि जब मसीह विरोधी कुछ खास चीजें करता है उसका पता चलेगा कि हम क्लेश काल के बीच में आ गए हैं, और यीशु यहूदियों को सलाह दे रहा है उस पल के लिए कि पहाड़ों के और भागो, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। देखिए, वे बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं तबाही से घृणा। यह एक पारिभाषिक शब्द है जो यहूदी मंदिर की अपवित्रता को दर्शाता है। इतिहास में ऐसा एक बार पहले हुआ है जब एंटाइकस एपिफेनिस ने एक सुअर की मंदिर के अंदर बलि चढ़ाई, इससे मंदिर अपवित्र हुआ। मसीह विरोधी भी मंदिर को अपवित्र करेगा, ना केवल वह मंदिर में बैठेगा पर वह अपनी एक मूरत को भी स्थापित करेगा अपने सहयोगी झूठे भविष्यवक्ता के हाथ। और जब आप वह देखेंगे वही समय होगा कि आप तुरंत ही यरूशलेम को छोड़ दें। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु कहते हैं अपने कपड़े तक लेने नीचे मत जाना, प्रार्थना करो कि तुम उस समय गर्भवती ना हो, प्रार्थना करो कि जाड़ा ना हो, तुरंत निकल जाओ, हो सकता है जिंदगी और मौत के बीच का फैसला आपकी गति कर दे। देखिए, मसीह विरोधी ने इसराइल को धोखा दिया है। वे सोच रहे थे ये संधि 7 बरस तक टिकेगी, पर अचानक से मसीह विरोधी मंदिर में यहूदियों के बलियार्पण को रोक देता है पीड़ा के काल के मध्य में। और जॉन उसके ऐसा करने का कारण यह है क्योंकि अब से लेकर लोगों को उसकी आराधना के लिए बाध्य किया जाएगा। अब से वह किसी को भी दूसरे ईश्वर की आराधना करने या दूसरे धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं देगा। अब से आराधना का मुख्य तत्व वही होगा, और झूठे भविष्यवक्ता का मुख्य लक्ष्य यही है कि सभी को उसकी आराधना के लिए बाध्य किया जाए। ये पशु का चिन्ह क्या है? देखिए, ये शब्द चिन्ह, जॉन, इसका अर्थ है एक टैटू, तकनीकी रूप से ग्रीक में चार्मा, त्वचा में कुछ ऐसी कटौती जो निशान छोड़ दे। तो इसमें एक संख्या, एक नाम और एक प्रतीक चिन्ह को होना है, और वह संख्या जुड़कर 666 तक पहुंचती है। जब आप उन अक्षरों में संख्यात्मक मूल्य देते हैं, ये संख्या नीरों की संख्या नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का सुझाव है, आपको उसके नाम की वर्तनी को बदलना होगा ताकि उसे सही जोड़ पाए। और पूरे इतिहास भर लोग अनुमान ही लगाते रहे हैं, वह कौन है? क्या वह शार्लेमेन है? क्या वह नेपोलियन है? क्या वह हिटलर है? क्या यह व्यक्ति या वह व्यक्ति है? क्या वह जो राष्ट्रपति है जिसके लिए मैंने वोट नहीं दिया, कौन है वो? और सच्चाई यह है कि हमें यह जानने की जरूरत नहीं, यह अंदाजा उन लोगों को लगाना है जो पीछे छूट गए। और वह मसीह विरोधी है और उसकी वर्तनी 666 तक जुड़ती है। मार्क ये भी बताता है कि यह संसार की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करेगा, यानी वो इसे कैसे करने वाला है। देखिए, ये हमें बताया गया है कि कोई भी कुछ भी बेच या खरीद नहीं पाएगा पशु के चिन्ह के बिना। इसीलिए मुझे लगता है पशु का निशान सबसे पहले और महत्वपूर्ण मसीह विरोधी के प्रति
निष्ठावान रहने का संकल्प होगा। इतिहास में यह एक अनूठा समय होने जा रहा है। मुझे लगता है किसी भी अन्य समय के विपरीत जहां लोगों को एक प्रत्यक्ष चुनाव करना होगा, क्या वह यीशु की ओर होंगे या फिर मसीह विरोधी की तामील करेंगे, तो उन्हें अपने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेनी होगी। और जब वह ऐसा करेंगे तो वह उसका निशान अपने दाहिने हाथ या माथे पर लेंगे। इसका अर्थ यह है कि वो उनका मालिक है और ये सब व्यापार के लिए, भोजन पाने के लिए। जी हाँ, भोजन प्राप्ति के लिए। वस्तुतः यह ऐसा है जैसे मेरे सामने झुको या मरो, यही होगा उसका मंत्र उस दौरान। पर हम क्या देखते हैं कि वह पूरी अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करता है, जो सचमुच आज हम देख सकते हैं संसार सिकुड़ रहा है। इस प्रकार की वैश्विकता को आज हम देख सकते हैं जहां वास्तव में एक व्यक्ति पूरे संसार पर शासन कर रहा है। पर साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था साथ जुड़ सकती है और एक व्यक्ति उस पर नियंत्रण कर सकता है। और हमें इसके हर मोड़ की विस्तृत जानकारी है कि भविष्य में क्या होगा, किस वजह से होगा। मेरे ध्यान को खींचने वाली एक चीज है जॉन, और वो ये है कि जिस संसार में आज हम रह रहे हैं उस पर गौर करें तो हम परमेश्वर से आगे दौड़ते हुए मसीह के आने की तिथि को सुनियोजित नहीं कर सकते। पर इसराइल अपना देश हासिल कर चुका है, मध्य पूर्व में कलह है, सामूहिक विनाश के हथियारों का आविष्कार हो चुका है जिससे आसानी से ये चीजें हो सकती है, और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से मौजूद है। और यह सब मेरे लिए एक जगमग रोशनी की तरह है जो मानो इशारा पर मुझसे कह रही हो हम अंत के बहुत करीब है, मंच सज चुका है, कितना समय बाकी है केवल प्रभु ही जानते हैं। इसलिए लोगों को जानना होगा कि जाने का समय कभी भी हो सकता है और उन्हें तैयार रहना होगा क्योंकि वे कभी भी आ सकते हैं। देखिए, गौर करने लायक एक और बात जो यहाँ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियंत्रण का जो उसका लक्ष्य है, नगद रहित समाज की वजह से यह उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। नगद रहित समाज में हर व्यक्ति का एक खाता संख्या होगा, हर व्यापारिक संगठन का एक खाता संख्या होगा, और आज के हमारे तकनीक और सुपर कंप्यूटरों की वजह से वो आराम से नियंत्रित कर सकता है कौन क्या खरीदे क्या बेचे। और रोचक बात यह है, इसके लिए मंच सज चुका है, ना केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कैशलेस होने की होड़ में लगा हुआ है। जी, और मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य पर बात करनी चाहिए कि यदि पशु का चिन्ह लें तो ये आपको आपके परिवार के लिए भोजन खरीदने और व्यापार करने के लिए थोड़ी बहुत सहूलियत तो देगा, परंतु परमेश्वर के सम्मुख इसका नतीजा भयानक है। परमेश्वर आपका नाम अपनी सूची से काटता है। ठीक है, यहां पर सच्चाई है कि आप मसीह विरोधी के साथ जुड़ गए हैं, पर वे विश्वासी जो पशु का चिन्ह लेना नहीं चाहते हैं वो भोजन नहीं खरीद पाएंगे और उन्हें केवल शायद हो सकता है कि भूखे मर जाएं, यानी कोई जगह नहीं होगी कि ऐसा कर पाए। तो ये लोगों के लिए एक निर्णायक समय होगा फैसले का। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, हम जानते हैं कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे मैं यीशु को बाद में स्वीकार करूंगा, थोड़ा इंतजार करूंगा और यीशु को बाद में स्वीकार लूंगा। लोग ऐसा भी कहते हैं, भले ही मैं उठाए जाने के समय पीछे छूट जाऊं तो भी मैं उधार पा लूंगा। सुनिए, उधार पाने के लिए इससे बेहतर समय पहले कभी नहीं हुआ। उठाए जाने के बाद उधार पाना कतई आसान नहीं होने वाला, उधार पाना बहुत बहुत अधिक कठिन होने वाला है। तो मैं देखने वालों से विनती करूंगा, अगर आप इस कश्मकश में हैं कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता करूं और उस क्षमा को जिसे उन्होंने अपने क्रूस की मृत्यु से खरीदा मुझे मैं अपनाऊं, तो मैं कहूंगा कि इससे आसान समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर हम चर्चा करेंगे पशु के चिन्ह, मसीह विरोधी के सहभागी, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा धार्मिक भविष्यवक्ता, और उसे सामर्थ कैसे दी जाएगी, वो संसार को कैसे भ्रमित करेगा धार्मिक रूप में, और ये सब। ठीक है, तो आप बने रहिए, हम लौट आएंगे। आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एड हाइंसन, डॉक्टर मार्च हिचकॉक और डॉक्टर रॉन रूड से। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले पशु मसीह विरोधी, जिसके विषय अलग से हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, और अब ये क्लेश काल के चित्र में दिखाई देता है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं यहूदियों को सताने के बारे में कि क्यों सताता है, और उसने वाचा तोड़ी जो पहले उसने बांधी थी, और फिर क्लेश काल का आरंभ हुआ। और एड, आप हमें बताइए ये सच्चाई कि ये सहयोगी उसे मिलते हैं, झूठे भविष्यवक्ता, और फिर दूसरा तथ्य यहाँ पर, ये तीन जन क्यों हैं? पहला अजगर जो कि शैतान है, दूसरा पशु जो कि ख्रिस्त विरोधी है, और फिर तीसरा यानी झूठा भविष्यवक्ता, ये तीन क्यों हैं?
देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं ये एक अपवित्र त्रिएकत्व है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के विरुद्ध अजगर पशु और झूठा भविष्यवक्ता एकजुट हो रहे हैं। झूठा भविष्यवक्ता एक धार्मिक अगुआ है, वह मेमने की तरह दिखता है पर पेश आता है अजगर की तरह, धार्मिक दिखता है पर बात करता है शैतान की तरह क्योंकि वह स्वयं शैतान द्वारा सशक्ति किया गया है। तो ऐसे पर्दे के पीछे शैतान मसीह विरोधी झूठे राजनीतिक नेता और झूठे धार्मिक नेता का उपयोग करता है जो अब संसार को झांसा दे रहे हैं। अब लोग चाहे तो पूरा दिन इस पर वाद विवाद कर सकते हैं कि कौन होगा वह झूठा भविष्यवक्ता। गौर कीजिए, अगर उठाया जाना हो चुका है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर पीछे छूट गया है तो उसका उद्धार नहीं हुआ है, वह छुड़ाया नहीं गया है। और वह कोई भी हो सकता है, वह एक प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, एक कैथोलिक, एक पेंटेकोस्ट, एक बैप्टिस्ट, कोई भी हो सकता है, वह वास्तव में यीशु का विश्वास ही नहीं है। वह धार्मिक दिखता जरूर है पर वह एक ढोंगी है जो उन्हीं धोखा देने वाले और झूठे भविष्यवक्ताओं के कुटुंब से आता है जिन्हें हम इतिहास भर में देख सकते हैं। आत्मिक छलावा रॉन हमारे संसार में हम फैलते हुए देख पा रहे हैं और आज समझ सकते हैं कि वो झूठा भविष्यवक्ता जिसके बारे में वचन बताता है कि लोग उसके पीछे कैसे संदेह नहीं करेंगे और उसके पीछे चलेंगे। देखिए, मुझे लगता है झूठे भविष्यवक्ताओं की बहुतायत उस मुख्य झूठे भविष्यवक्ता के आने के मंच को तैयार कर रही है। इतना अधिक छल पहले नहीं देखा गया। और ये झूठे भविष्यवक्ता जिन्हें आज हम देखते हैं, मैं मानता हूं ये उदाहरण है उस चीज का जिसे यूहन्ना कहते हैं मसीह विरोधियों का समूह, छोटा ख्रिस्त विरोधी, छोटे झूठे भविष्यवक्ता। वे झूठे भविष्यवक्ता की आत्मा से प्रेरित हैं, मूलतः उनके विचार भ्रामक हैं परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, सुसमाचार के प्रति और मूल मसीही सिद्धांतों के प्रति। और चूंकि आपके पास बहुत सारे धार्मिक विकल्प हैं इस विशाल धार्मिक कैफेटेरिया, अगर ऐसा कहें, तो इसमें ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच है इन सब के विलय की, आम विचारों को साथ लाने की। और आजकल यह कहना चलन हो गया है, देखिए मैं धार्मिक व्यक्ति तो रहना चाहता हूं पर किसी खास मत में मेरी कोई धारणा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इन सांप्रदायिक अगुओं से मिला हूं, उनके सम्मेलनों में गया हूं। मैं बात कर रहा हूं वीकन कॉन्फ्रेंस या न्यू एज कॉन्फ्रेंस जैसे सम्मेलनों की। और जॉन, वास्तव में आप वहां चमत्कार देखते हैं, चमत्कारिक घटनाओं को होते देखते हैं। अब मैं मानता हूं यह नकली चमत्कार है पर वे लोग जो वहां उसे देखते हैं कहते हैं वाह, इसमें जरूर सच्चाई दिखती है, यह तो सच ही होगा। अब इन हालातों में जब झूठा भविष्यवक्ता पीड़ा काल के दौरान सामने आएगा और स्वर्ग से आग उतारने जैसे कारनामे करेगा, आप यकीन करें कई लोग कहेंगे यही तो सत्य है, मुझे इसमें सच्चाई दिखती है, मैं इसका भाग होना चाहूंगा जी, मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक स्वर्ग से आग गिरती है और अगले 5 लोग मर जाते हैं और आपके बगल वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने ही ये किया है, तो आप उनकी बात सुनना चाहेंगे? जी हाँ, यकीनन। और जानते हैं एक और बात, ये विचार कि मैं आत्मिक हूँ और हर एक पंथ के लिए खुले विचार रखता हूँ और तुम लोग जो कहते हो वो केवल एक ही मार्ग है और यीशु ने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, वो उन्हें पसंद नहीं। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक खुले मैदान में आपको जाना है, ये कहिए कि ऐसा कि शिकागो में आपका एक बड़ा घर है, ठीक है, करोड़ों लोगों का घर वहां पर है, और कोई कहता है कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं, तो आप कह सकते हैं कि आप कोई भी रास्ता लीजिए और आप वहां पर आ सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं पहुंचेंगे। सच्चाई तो ये बिल्कुल है, सही, आप नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप सुनते हैं झूठी आस्थाओं को और झूठे अगवों को, मैंने एक बात गौर की, जब आप उनकी किताबें पढ़ते हैं, मैंने उन्हें यहां प्रोग्राम में भी बुलाया, वो बाइबल जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में कहती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था, इन सभी संप्रदायों के पीछे शैतान ही है, वो जानता है क्या कारगर है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ शैतान बुरे विचारों का मुख्य रहनुमा है और उसके पास सबको आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ है, अलग अलग जन समूह के लिए, समाज के हर पहलू के लिए, और उसे इसका अच्छा अनुभव भी है। और मेरा ऐसे कहने का कारण है वह अपने हजारों साल के अनुभव को पीड़ा के काल के दौरान काम में लाएगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रभावित करेगा कि ना केवल वे मसीह विरोधी का पर झूठे भविष्यवक्ता का भी अनुकरण करें। हजारों साल से वह देख रहा है क्या कार्य करेगा और वो लोगों को प्रभावित करेगा कि वे मसीह विरोधी का अनुकरण करें। और झूठे भविष्यवक्ता का मुख्य उद्देश्य है कि वह लोगों को उकसाए कि वे मसीह विरोधी की आराधना करें,
यही है उसका मुख्य उद्देश्य, उसका लक्ष्य। हाँ, हमें बताइए कि कैसे ये ख्रिस्त विरोधी की जो मूर्ति है वो सशक्त होगी। क्या होगा अगर लोग उस मूर्ति को नहीं स्वीकारते हैं तो उनके साथ में क्या होगा, ये जरा बताइए। देखें, यह हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर अपनी संप्रभुता में यह सब कुछ होने की अनुमति दे रहे हैं। परमेश्वर ने झूठे भविष्यवक्ता को उस मूर्ति में श्वास फूंकने दिया। मतलब यह हुआ कि शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता दोनों ही बंधे हुए हैं। प्रभु की अनुमति से ही वे कुछ कर सकते हैं। तो या तो आप शैतान की पूजा करेंगे, नहीं तो तैयार रहे मृत्यु के लिए। जी, सच है। शायद आप में से बहुत से लोग अभी ये जो सुन रहे हैं कह रहे हैं, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं वास्तव में किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता और यीशु के बारे में निश्चित नहीं कि वो परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है। और हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि देखिए, बाइबल इसे हमें बताती है और यीशु ही है जिसने ये प्रकाशन दिया है। ये वास्तविक घटना है जो होने वाली है भविष्य में। और एड, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो यीशु के साथ अपने संबंध को फिर से बनाना चाहते हैं, कि उसकी मदद ले सके ताकि यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कर सके और वे उनके जीवन को बदल दे और उनके पापों को क्षमा करे और वो उसे व्यक्तिगत रूप में जाने और जान ले कि वही सच्चा परमेश्वर है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वास्तव में ये स्पष्ट करते हैं कि अच्छे और बुरे के बीच निरंतर एक संघर्ष है, और अंततः इस पुस्तक का ये वादा है कि परमेश्वर इस संघर्ष में विजयी होंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक की बुरी खबर अविश्वासियों के लिए बुरा समाचार है। उन्होंने मसीह विरोधी से धोखा खाया, झूठे भविष्यवक्ता ने उनसे छल किया। अच्छा समाचार उन लोगों के लिए है जो मसीह के विश्वास में आते हैं और पीड़ा के समय की शुरुआत से पहले ही स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। साथ ही साथ खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो पीड़ा के काल के दौरान विश्वास में आते हैं। आपके लिए जानना आवश्यक है कि जब विश्व अंततः उस उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहा होगा जिससे पवित्र शास्त्र आर्मेगेडन का नाम देता है, और जब वह होगा तब आपका स्थिति क्या होगी, उस समय आप कहाँ होंगे, क्या आप परमेश्वर के साथ होंगे या शैतान के, सच्चाई के साथ या झूठे भविष्यवक्ता के साथ। आपको अपने हृदय को जांच कर पूछना होगा कि मैं वास्तव में क्या विश्वास करता हूँ, ये विश्वास मैं क्यों करता हूँ। क्या यीशु के अलावा ऐसा कोई है जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे पापों के लिए मृत्यु सहे, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए, कि परमेश्वर का क्रोध मेरे बजाय उन पर डाला जाए। यीशु के समान आपसे प्रेम करने वाला और कोई नहीं। यीशु ने जो आपके लिए किया वैसा किसी और ने नहीं किया। उनकी तरह आपको कोई और उद्धार नहीं दे सकता, जैसे वे आपको बदल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब वह समय है कि आप उस निर्णय पर पहुंचे और कहे, मैं इस समय यीशु को हाँ कह सकता हूँ बस। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस पल यही करेंगे। ऐसा करने के लिए आप राह न देखें। अगर परमेश्वर ने आपसे अभी बात की है तो अपने सिर को झुकाए और अपने जीवन में उसे न्योता दे, अपने पापों से पश्चाताप करे, कहे, प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, तेरी ओर आता हूँ। हो सकता है कि आप में पापों से फिरने की शक्ति न हो, आप सामर्थ मांगे और वो कहता है कि वो आपके जीवन को बदल देगा, भीतर से बाहर बदलने दे, उसे अपने जीवन में काम करने दे। अगले हफ्ते हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ रुकावट है, यानी खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इनके कामों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर क्लेश काल के बीच में हम आ गए हैं। यीशु ने ये बात कही एक महिला के बारे में जो प्रसव पीड़ा में थी और बच्चा जन्ने पर थी, और जब आप आखिर के समय में पहुँचते तो क्या होता है, वक्त कम होता है और पीड़ा और ज़्यादा तीव्र होती जाती है। देखिए, न्याय की बातें हैं जो शीघ्र होने वाली है, और आप सोचेंगे कि पहले क्या था। कटोरे के न्याय के विषय में हम इसे देखेंगे और इसके बारे में अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर प्रभु ने इस प्रोग्राम का उपयोग किया कि आपसे कहें और आप किसी से बातें करना चाहते हैं, तो क्यों न स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारे पास अद्भुत लोगों की टीम है जो आपसे बातें करना चाहती है, आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपके सवालों का जवाब भी देगी। या शायद आप अपनी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं अपने काम में या परिवार में और आपको प्रार्थना चाहिए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए। हमारी टीम इस समय में आपके लिए प्रार्थना करेगी। शायद आपने आज का प्रोग्राम देखा लेकिन कभी यीशु से ये नहीं कहा कि वो आपका उद्धारक हो। अगर आप यीशु के साथ में व्यक्तिगत संबंध में आने के बारे में सीखना चाहते हैं, शाश्वती रखना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कीजिए या फिर हमारी ऐप पर जाइए
या वेबसाइट पर और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशित वाक्य की किताब पर का ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोत्साहित करने वाला है। मैं इस सीरीज को बनाना चाहता हूँ ताकि इस महत्वपूर्ण किताब को लोग समझ सके। लोग इसे अनदेखी या गड़बड़ी में लाने वाली किताब के रूप में देखते हैं। इसमें मदद करने के लिए मैंने भविष्यवाणी के बारे में 3 सबसे उत्तम मेहमान को बुलाया है, जो हर अध्याय से आपको बताएंगे और इस संदेश को ऐसे समझाएंगे जिसे हर कोई समझ सकता है। जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि आप देखेंगे कैसे प्रकाशित वाक्य बताता है परमेश्वर की महानता, उसका न्याय और विश्वासी के लिए रखी गई आशा। परमेश्वर ने हमें ये किताब दी क्योंकि वो चाहता है कि हम इन बातों को जान लें, ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और हम महान क्लेश काल के समय में बच जाएंगे जो इस पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अपने मित्र को बांटना चाहते हैं या बाइबल स्टडी ग्रुप में इसे देखना चाहते हैं, आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं अपने फोन पर हमारी ऐप के द्वारा। हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने डिवाइस के ऐप स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए एंकरबर्ग। इसे डाउनलोड करने के बाद आप ये सीरीज और दूसरी सैकड़ों सीरीज को देख सकते हैं किसी भी समय किसी भी जगह पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को ढूंढने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और प्रोग्राम के आइकॉन पर टैप कीजिए और साथ में यहाँ पर हमारे सैकड़ों Q&A वीडियोस देख पाएंगे, जो बुद्धिमान लोगों ने विश्वास के बारे में आपके मुश्किल सवालों का जवाब दिया है। और इसके साथ ही हमारी ऐप आपकी मदद करती है कि बाइबल को पढ़ें या सुने 1000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में। बस हमारी ऐप के मेन पेज पर जो फोन आइकॉन है उस पर आप टैप कीजिए। इसके खुलने के बाद आप अपनी भाषा को पा सकते हैं ऊपर के दूसरे बॉक्स पर टैप करने के द्वारा। अगर आप बाइबल की किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी के हमारे आइकॉन पर टैप कीजिए। यहाँ डॉक्टर वीन बार्बर के द्वारा सैकड़ों संदेश है जिसमें आप बाइबल में से होकर चलेंगे एक एक वचन करके। आप इन सारे स्रोतों को पा सकते हैं मुफ्त में हमारी वेबसाइट पर jashow.org पर। और इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी पानी है तो हमारे पास में लगभग 8000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स है कि इसमें मदद कर सके। हालांकि ये आर्टिकल्स ज्यादातर इंग्लिश में हैं, बहुत से ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जो इन सारी बातों को तुरंत आपके लिए ट्रांसलेट करके देते हैं। अब प्रोग्राम देखने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे द जॉन एंकरबर्ग शो को देखने के लिए। और तब तक प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हम इसके विषय में बात कर रहे हैं जैसे हम में से हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि हर्मगदोन में क्या होने वाला है। हर्मगदोन में क्या वास्तव में होगा? क्या पूरा संसार युद्ध करने वाला है? बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? और ये बहुत ही रोचक है कि केवल एक ही जगह पर बाइबल हर्मगदोन के विषय में हमें बताती है और ये बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है कि क्या होने वाला है। एड, आप बताइए। देखिए, जब हम उन कटोरे के फैसले के अंत में आते हैं, वचन कहता है कि संसार की सेनाएं एक जगह पर एकत्रित हो रही है। संसार एक आखिरी महान महायुद्ध की तैयारी कर रहा है जिसे इब्री जबान में आर्मेगेडन कहते हैं।